वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकलपतरुवश कृपा सिंधुवच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूकोति पंगुं लंघयत गिरी यमहंग वंदे परमानंद माधव वृंदावई तुलसीदेव पिया वै केशव सचक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोवरुण देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचन तं शरण्यं वेतातिहं पुनदपानभवाद्विभूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि वधूषदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आयानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि त्वं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Bhavad Vidha Bhagavata Stirthi Bhuta Swayam Vibhu Tirthi Kurvanti Tirthani Shantaste Nugada Abhrita Bhavad Vidha Bhagavataha Stirthi Bhuta Swayam Vibhu Tirthi Kurvanti Tirthani Shantaste Nugada Abhrita Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagadbhupa Paramahamsa Jagad Guruji ne batai गुरु सेवा से बढ़कर इतना मंगलदायक अनुष्ठान कभी भी कुछ नहीं हो सकता। गौरी गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए गुरु सेवा का मापिक इतना मंगलजनक क्रियाकर्म सेवा इतना सुंदर अनुष्ठान कभी भी कुछ नहीं हो सकता। गुरु वैष्णव है, वैष्णव गुरु है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए जो गुरु है वही वैष्णव है, जो वैष्णव है वही गुरु है। जितना सारे किस्म का आराधना पूजा आदि आराधना आदि हर किस्म का जो आराधना जगत में चालू है सबसे ऊपर है भगवत आराधना अर्थात विष्णु तत्व का आराधना। आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधनानम परम तस्मात् परतरम देवी त्वदीयानम समर्चनम। शंकर भगवान जी ने पार्वती मैया को ये उत्तर दी आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तमाम आराधना चल रहा है दुनिया में, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधना विष्णु तत्व परतत्व है, विष्णु आराधना सबसे ऊपर है और इससे भी बढ़कर है तदियानम समर्चनम अर्थात भगवान का जो भक्त है उसका आराधना करना सेवा करना। भगवान का आराधना से भी बढ़कर है गुरुपाद पद्मों अर्थात वैष्णव लोगों का सेवा करना। पोपत कह रहे हैं जब तक ये विश्वास, जब तक ये विश्वास हृदय में, जब तक ये विश्वास हृदय में ना आ जाए, दृढ़ विश्वास, जब तक ये विश्वास दृढ़ रूप में हृदय में प्रकट ना हो जाए तब तक साधु संग एक बहाना है, आश्रय लेना एक बहाना हो जाएगा। जब तक ये विश्वास 100% ना हो जाए, जब भगवान से भी बढ़कर है गुरु वैष्णव गुरु जी का गुरु का वैष्णव का आराधना करना, जब तक ये विश्वास हृदय में स्थायी रूप में प्रकटित न हो जाए तब तक हम लोगों का सत्संग गुरुचरण आश्रय का विचार कभी नहीं आ सकता, संभव नहीं। जीवों का सर्वापेक्षा मांगलिक क्रियाकर्म है गुरु वैष्णव का सेवा। और अगर कोई चाहता है कि किसी का वास्तव मंगल कर दे, वास्तव मंगल कर दे, तो इसको हरि गुरु वैष्णव का सेवा में लगा देना, ये सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उपकार है। सर्वश्रेष्ठ दान है, सर्वश्रेष्ठ उपकार है कृष्ण भक्ति दान, कृष्ण
चरण में मन लगे रहे, ये आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इससे बढ़कर आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। ललितपुर नाम, ललितपुर नामक एक गांव है नदिया डिस्ट्रिक्ट में। चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर जाने का समय ललितपुर नामक एक गांव होके जा रहा था। गंगा का सहारे सहारे चल रहे थे नित्यानंद प्रभु का साथ। वहाँ एक दारी सन्यासी माने लड़की है, एक दारी सन्यासी जो माताजी रखते हैं और दारू फारू भी पीते हैं नाशा करने वाले, उसको कृपा करने के लिए ठहरा था। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही बताऊं कि ये सन्यासी सोचा कि एक नौजवान लड़का आया है, उसको आशीर्वाद दिया आपका संसार सुख हो जाए, संसार में आनंद हो जाए। महाप्रभु जी ने बताएं ये तो आशीर्वाद नहीं है, ये तो आशीर्वाद कैसा आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद तो पक्का आशीर्वाद नहीं है। सन्यासी गुस्से में आकर उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया, काल का छोकड़ा है, काल का छोकड़ा है, कैसे मंगल होता है नहीं मंगल मैं नहीं जानता हूं, तू जानता है, ऐसा करके महाप्रभु जी ने हंसी उड़ाया। और एक बात है, जब एक ब्राह्मण गौरंग महाप्रभु को गंगा का किनारे आशीर्वाद नहीं अभिशाप दिया, एक ब्राह्मण चैतन्य भागवत में आता है, शाप दिया। कैसा साप? बोले तुम्हारा संसार सुख का सत्यनाश हो जाएगा, तुम्हारा संसार सुख का सत्यनाश हो जाएगा। महाप्रभु ये अभिशाप सुनकर हंस पड़ा, आनंद से उछल पड़ा। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, संसार सुख होने से तो भगवान को भूल जाएंगे हम। संसार सुख होने से क्या होता है? तो कृष्ण मति रस्तु, ऐसा शुभ आशीर्वाद जो है ये जगत, ये सबसे बड़ा फायदादायक है, जगत का मंगल दायक है। क्योंकि जीवों को, क्योंकि बद्ध जीवों को अगर कृष्ण चरण में, कृष्ण कथा में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्त में मन लग जाए, बद्ध जीवों का और कृष्ण सेवा में, कृष्ण भजन में, हैं गुरु वैष्णव में, धाम में, नाम में अगर मन लग जाए तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जीवों को कृष्ण मति विशिष्ट, बद्ध जीवों को घुमा फिरा कर किसी भी हालत से इसको कृष्ण में मति विशिष्ट अनुकूल हो जाए, कृष्ण सेवा में, कृष्ण विषय में, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा उपकार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो दान है कृष्ण देने के लिए आया था चैतन्य महाप्रभु, ये सबसे बड़ा दान है, अनप्रेसिडेंटेड कृपा, अभावनीय कृपा, न भूतम न भविष्यति। तो भक्तगणों का चित्त सर्वदा, भक्तगणों का हृदय, वैष्णव लोगों का हृदय हर वक्त दूसरे का मंगल करने के लिए व्यस्त है। वो कभी मंगल करने का बहाने में अमंगल नहीं कर सकता, शिष्यों का गुलामी नहीं करता। गुरु वैष्णव शिष्य को डांटता है, पीटता है, गाली देता है, सब छीन लेता है, ये आशीर्वाद है, ये करना जरूरी है। बदजीब किसी भी हालत से भजन करने के लिए तैयार नहीं है, माया में फंसे हुए, माया में उलझे हुए हैं। भगवान को जानना
भगवान को जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान को जानने से और कुछ जानने का जरूरी है नहीं। भगवान को प्राप्ति करने से और कुछ प्राप्ति करने का जरूरत नहीं है। यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति। जो जानने से और कुछ जानने का जरूरी है नहीं, जरूरत नहीं पड़ता। जिस चीज को प्राप्ति करने से अनमोल संपत्ति भगवान का चरण, दूसरा के संपत्ति फीका पड़ जाता है, टट्टी पेशाब का बराबर लगता है। तो पिछले कई दिनों से श्रील रूप गोस्वामी पाद का उपदेश अमृतों का जो 30 ऐसे तो चर्चा पहले हो ही गया, फिर भी एक एक श्लोक का एक एक शब्दाक्षर, शब्दों का अक्षर जो है, ये विचार चल रहा है बहुत दिनों से। इसमें तत्त कर्म प्रवर्तन माने भक्ति वृद्धि हो जाए, इसका विचार अन्य व्यतिरिक रूप से हो सकता। जैसे वैष्णवों का नहीं अपमान करना, वैष्णवों का नहीं अपमान करना मतलब आपका भक्ति का रक्षा हो जाए, वैष्णवों का अपमान करने से भक्ति का नाश हो जाए। तो व्यतिरिक रूप से अन्य रूप से साधु का सेवा करना, नाम करना, शुद्ध नाम करना, ये सब अन्य व्यतिरिक रूप से। निषेध वाचक जो नहीं करना है वो भी, वो जो निषेध वाचक है नहीं करना चाहिए, वो भी मेरा भक्ति का प्रोटेक्शन देने वाले। इसीलिए अन्य व्यतिरेक अभ्याम विचार चल रहा है। उसमें ये जो उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है, ये तीसरा श्लोक का विचार करते करते तत्त कर्म प्रवर्तनात् का यहाँ तक हमने आया है। उत्साहत निश्चा दैज्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् यहाँ तक आया है। ये तत्त कर्म प्रवर्तन का जो टॉपिक्स है वह कई दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से, फिर भी इस विषय पर बहुत गहरा ध्यान देना चाहिए। नहीं देने से भक्ति नहीं हो सकता, संभव नहीं है। पहले हमने बताया था किसी को उद्वेग देना जरूरी नहीं है, काय मन वाक इसका भी व्याख्या किया। किसी प्राणी को काय मन और वाक के द्वारा दुख देना नहीं चाहिए, कष्ट देना नहीं चाहिए, टेंशन देना नहीं चाहिए। किसी को उद्वेग देना कभी स्थूल रूप से मैंने पीटा, ये उद्वेग देना। किसी को खमाखा मैंने टेंशन में डाल दिया, ये भी उद्वेग देना। और प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर गुरु वैष्णव अपना अनुगत जन को पिटाई करे, मारे, गाली दे, सब कुछ करे, तो ये उद्वेग का विषय नहीं है। पापा जी अंतिम वाणी में इस बात को खुलासा की। इस जगत छोड़ के जाने का पहले पापा जी ने बताया, मैंने आप सभी को बहुत उद्वेग दिया, बहुत कठोर प्रवचन बोला, आप लोगों को निष्कपट रूप से हरिभजन में लगाने के लिए मैं कठोर प्रवचन बोला, शासन किया, उद्वेग दिया। इस बात आप लोगों को कभी ना कभी, आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, हर बात कभी भी आपको ध्यान में आएगा। मैंने उद्वेग तो दिया है,
लेकिन उद्वेग किस लिए दिया है? निष्कपट रूप से भजन कराने के लिए, पिता माता पिटाई करता है लड़का को, पढ़ाई में लगाने के लिए, ये उद्वेग देना जरूरी है। गुरु वैष्णव का सामने बहुत सारे गहरा विचार रहता है, कैसे हमको बचाया जाए वो लोग जानता है। भद्र जी गुस्से में आकर छोड़ भी देता है गुरु वैष्णव को, तो फिर क्या किया जाए? उपाय तो कुछ है नहीं। जीव हिंसा का विषय भी चर्चा हमने किया था, जो जीवों को फिजिकल असाल्ट शारीरिक रूप से टॉर्चर करना मानसिक, ये तो है ही हिंसा। उद्वेग देना, थ्रेटनिंग करना, डर दिखाना, उद्वेग देना, ठीक है। लेकिन पोपा जी ने बोला ये शरीर तो जीव नहीं है ना, जीव तो है आत्मा, जीवात्मा, तो इसका साथ हिंसा जो है ये असली विचार अगर किया जाए तो देखोगे जीवों को कृष्ण भजन छोड़कर, जीवों को कृष्ण भजन छोड़कर कर्म ज्ञान आदि सब उल्टा पलटा विषय का उपदेश देके उसको भड़काना, ये जीव हिंसा है। जीव कोई शरीर नहीं है, जीव कोई शरीर नहीं है, जीव तो जीवात्मा है, पोपा जी ने व्याख्या किया। तो जीवात्मा के ऊपर हिंसा जो है इसका इनर मीनिंग है, जीवों को हरि भक्ति छोड़कर उल्टा रास्ता में परिचालित करना, ये हिंसा है। पिता माता एक अच्छा लड़का को जोर जबरदस्ती शादी देना चाहता है, लड़का बोलता है देखो मैं भजन करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को इजाजत दे दो, नहीं शादी करना पड़ेगा, उसका मन नहीं है, संसार से उब गया, इसका तो मन नहीं है, संसार से उब गया मन, फिर भी वो चाहता है जोर जबरदस्ती इसको संसार में लगाए, वो जीव हिंसा हो गया। जीव हिंसा, वो चाहता है हरिभजन करे, उसको हरिभजन नहीं करने देंगे। याद है आपको प्रिय व्रतो जब जंगल में चला गया भजन करने के लिए, मनु महाराज ब्रह्मा जी को शिकायत किया, आप थोड़ा चलो, आपका पोता जो है ये जंगल में चला गया, वो संसार नहीं करना चाहता है, आप थोड़ा चलो सहयोग कर दो कृपा करके। ब्रह्मा जी ने आया, ब्रह्मा जी ने आके उसको समझाया बुझाया और संसार में भेज दिया। इसका बहुत सारे विचार है, अभी बोलने का समय नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि ब्रह्मा जब प्रिय व्रत को घर लौटाने में समर्थ हुआ तो ब्रह्मा जी मन में दुखी हो गया। क्यों? उसको तो लौटा के ले आया, लेकिन मन में एक विचार पैदा हुआ, मैंने ये सही नहीं किया, ये हरिभजन करने के लिए गया था, है? मैं हरिभजन करने के लिए गया था, मैंने इसको वापस लेके आए उचित नहीं किया। इसी बात को सोचकर ब्रह्मा जी थोड़ा दुखी हो गया। जीव हिंसा का विषय ये सब चर्चा की है हमने। बाद में चर्चा करते हुए हमने सेवा अपराध और 10 विधा नाम अपराध का बारे में भी चर्चा की। याद है आपको 10 विधा नाम अपराध का बारे में चर्चा की, इसमें साधु निंदा से लेकर धीरे धीरे गुरु को अवज्ञा करना, हैं, और सताम निंदा नामनो परम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथमु सहते तद्विगर्हम्।
शिव आदि देवता लोगों को विष्णु का साथ समान ज्ञान करना ये अपराध है, गुरु अवज्ञा अपराध है, श्रुति शास्त्रों का निंदा अपराध है, नाम में अर्थवाद यह अपराध है, हरि नाम का ऊपर अर्थ थोड़ा कल्पना करना, नाम का सहारा लेकर पाप करना है, और दूसरा सारे अनुष्ठान जो है यज्ञ आदि ये सब शुभ कर्मों का अनुष्ठान के साथ नाम का जप करना अनुष्ठान करना ये भी समान ऐसा विचार करना। नाम का महिमा इतना सुनने का बावजूद नाम में श्रद्धा नहीं रखना ये सारे दस विधा नाम अपराध का अंदर आता है, सारे दस विधा नाम अपराध का अंदर आता है। मैंने बोला सेवा अपराध और नाम अपराध लेकर बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है, बहुत लंबा जो 64 किस्म का भजन अंग है, 64 किस्म का भजन अंग है, 36 किस्म का डिफरेंस सेवा अपराध नाम अपराध बहुत सारे पद्म पुराण में सब आता है, इतना चर्चा करने का समय नहीं है। मैं दो चार उदाहरण दे दूं जैसे आपको समझ में आए। सेवा अपराध का अंदर में आता है जैसे मंदिर खुलने जा रहे हो बिना कोई ताली बिना मंत्र मंदिरों को धक्का लगाकर खोल देना अपराध है। अंधेरा मंदिर में लाइट नहीं जलाया भगवान को स्पर्श किया यह अपराध है। भगवान के सामने छींकना खांसना पूजा का समय में बातें करना है ये सब सेवा अपराध का अंदर सेवा अपराध का कैटेगरी में गिनती में आएगा। बहुत सारे अर्चन के समय में मौन भंग करना ठीक है सेवा अपराध। दूषित पुष्प देकर जो पुष्प पूजा में लगता नहीं वो पुष्प देकर पूजा करना ये सारे जो है सारे सेवा अपराध का अंदर में गिनती होएगा। नाम अपराध का बारे में तो चर्चा किया ही है। ये सेवा अपराध और नाम अपराध से बचने के लिए बहुत लंबा चौड़ा चर्चा चाहिए, समझना चाहिए। और नाम अपराध ऐसा है, नाम अपराध ऐसा है, नाम अपराध ऐसा है जिससे हर वक्त दफा रहना चाहिए। नाम अपराध अगर हो जाए तो भजन से छुट्टी मिल जाएगा। सेवा अपराध से बचने के लिए थोड़ा रास्ता है, वो क्या है? पहले आप गीता का एक दो चैप्टर रोज रोजाना पाठ करना और रोज वृंदादेवी अष्टकम पाठ करना, विशेष करके द्वादशी का दिन रात्रि में वृंदाष्टकम पाठ करना ये जरूरी है सेवा अपराध से छुटकारा मिलने के लिए। नाम अपराध का अंदर में आता है वैष्णव अपराध आदि गुरु अवज्ञा ये सब नाम अपराध का अंदर में आता है। और जो साधु संघ सबसे बड़ा अनमोल चीज है, साधु संघ के अलावा भक्ति लाभ करने का कोई रास्ता है नहीं। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधु संघ सर्वसिद्धि। थोड़ा सा साधु संघ अगर हो जाए और कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल है साधु संघ तो कहने ही क्या है। साधु संघ से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन ये साधु संघ ही आपका फांसी का फंदा बन जाएगा अगर गलती हुआ तो। साधु संघ करने आया, गलती किया, दोष दर्शन किया, साधु को बुलाया घर में, फिर उसका दोष दर्शन किया,
साधु का कोई दोष नहीं होता, दोष जैसा लगता है। गुरु वैष्णव का कोई दोष नहीं रहता, यो है गुरु वैष्णव का कोई दोष नहीं होता, हर भगत पवित्र है। कोई निर्दोष निर्दोष बदान्नो सूची ये सब निर्दोष मैं उसका दोष रहित, लेकिन फिर भी हम दो दस दोष निकालने की जो तैयार बैठा है। कब हम दो दस निकाल दें? जो साधु संघ भगवत चरण प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा व्यवस्था है, वही साधु संघ नरक प्राप्ति के लिए बहुत इजीएस्ट प्रोसीजर, सबसे बड़ा सीधा रास्ता है। साधु संघ करो, भगवान का चरण में पहुंच जाओ। और सबसे बड़ा इजीएस्ट वे है, अगर साधु संघ करने आया, अपराध किया और नरक में पहुंचने का भी ये सबसे बड़ा इजीएस्ट वे। तो ये सेवा अपराध नाम अपराध ये सबसे बचना बहुत जरूरी है। ये भक्ति का अनुकूल है। हमने ये बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्ति का अनुकूल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्वय व्यतिरिक्त रूप में है, कुछ चीज अन्वय रूप में भक्ति का अनुकूल, कुछ चीज व्यतिरिक्त रूप में भजन का अनुकूल, ये सब हमने चर्चा किया। विष्णु वैष्णव निंदा परित्याग करना और गुरु चरण का आश्रय करना ये तत्त्व कर्म प्रवर्तन का अंदर में आता है। विष्णु वैष्णव निंदा श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया चैतन्य चरितामृत में, प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, प्राकृत कोरिया माने ये मेटेरियल, प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, इससे बढ़कर अपराध नहीं हो सकता, इतना भयंकर प्राकृत कोरिया माने विष्णु अपराध नहीं, प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर सबसे बड़ा भयंकर, और इससे भी बढ़कर है खमाखा गुरु वैष्णव का निंदा करना। समाज में एक गलत फहमी है, ये लोग सोचता है कि किसी का बारे में कुछ मत बोलो, बोलने से अपराध हो जाएगा। लेकिन गुरु वैष्णव अगर शासन ना करे तो कैसे हो सकता? गुरु वैष्णव तो शिष्यों का दोष दर्शन करा देता है, देख ऐसा किया गलती तू। वैष्णवों का निंदा जो एट ऑल वैष्णव नहीं है, जो भजन राज्य में अव्यवस्था बना दिया, तमाम गुरुवर्गों का दिखाया गया रास्ता, तमाम गुरुवर्गों के द्वारा दिखाया गया रास्ता को चूर चूर कर दिया, एक नया मत को स्थापन किया, ऐसा हंगामा कर रहा है, इसका बारे में अगर हम कुछ बोले आचरण के साथ निष्ठा का साथ बिना हिंसा सिर्फ समाज का मंगल के लिए अगर हम कहे तो ये कभी भी निंदा का अंदर नहीं आता, निंदा का अंदर नहीं आता। विचार ये बनता है जिन्होंने एक नया रास्ता दिखाया गौड़िया मठ का पूरा जो विचार है छोड़कर नया रास्ता दिखाया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया भजन का एक न्यू मेथोड आविष्कार किया किसी ने, इच्छा कर आविष्कार ने भी नहीं शब्दों नहीं बोलना चाहिए कि आविष्कार मतलब है जो पहले था उसको आविष्कार उसको ढूंढ के निकालना, ये डिस्कवर, और इनोवेशन मतलब जो नहीं था
उसको ढूंढ के निकाल। तो एक नया मेथड दिखाया समाज को भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है जो व्यक्ति, उसका लिए फायदादायक है, एक नया रास्ता निकालो। क्योंकि महाजन का रास्ते में जाने से इनके जो दोष है ये पकड़ा जाएगा, से ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी नहीं मिलने वाला है। तो नया कुछ ऐसा करो, मेथड निकालो जैसे हमारा नाम हो जाए जगत में। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताएं, भजन का जो मेथड है भजन का, ये कभी भी नया नहीं हो सकता, ये शाश्वत नित्य अनादिकाल से भजन का पद्धति, भजन का आदमी, भक्ति, भक्त, भगवान और सब कुछ नित्य है। सिर्फ महाजनों का अनुगत में हमको भजन करना है, हम कोई नया रास्ता में जा नहीं सकता, ए न्यू मेथड को फॉलो नहीं कर सकता, संभव नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे जो लोग लाभ पूजा प्रतिष्ठा मांगता है ये लोग के लिए जरूरी है, ये नया रास्ता खोलता है, और ये मर जाता है ये तो नरक में जाएगा ही जाएगा, इसका फॉलोअर्स जो है ये भी नरक में जाएगा अनंत काल के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये जो न्यू मेथड इन्होंने दिखाया और भजन और जो फॉलोअर है न्यू मेथड है उसका गुरु है, तमाम खत्म हो जाएगा, ये नया मेथड चलता नहीं, अगले 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल में ये टूट जाता है, ध्वंस हो जाता है, क्योंकि भगवान का इच्छा नहीं है ना। भगवान ने बताया देखो गीता में, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभूतानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणायो साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम संभवामि जुगे जुगे। तो इसमें क्या लिखा है, जब जब धर्म का अव्यवस्था फैलता है, धर्म का नाम में अधर्म चालू होता है, उस समय मेरे को आना पड़ता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणायो साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम संभवामि जुगे जुगे। हर हालत में गुरु वैष्णव का निंदा करने वाले जो है इसका संग नहीं करना है, इसका शकल नहीं देखना है, इसका जो परछाई है, शैडो ये भी नहीं देखना है, इतना बड़ा अपराध है विष्णु वैष्णव का निंदा करें। लेकिन कोई अगर वैष्णव आचरण में प्रतिष्ठित है, गौरंग महाप्रभु का दिखाया गया शिक्षा में प्रतिष्ठित है, संप्रदाय में आस्था रखने वाले हैं, बहुत प्यार रखने वाले हैं, ज्यादा सा भी कुछ संप्रदाय में हो जाए उद्वेग होता है, गुरु वैष्णव में परंपरा में आस्था रखने वाले जो हैं वो अगर कोई उठपटांग करने वाले कोई व्यक्ति का विरुद्ध में बोला, वो भी साधु का वेश लेकर बैठा है मठ में आचार्यों का रूप में साधु का रूप में क्या कुछ नहीं कर रहा है, उसका विरुद्ध में कुछ कठोर बोलना ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है, साधु गुरु वैष्णव का भी वैष्णव अपराध नहीं करते। लेकिन जगत में गलती भावना है वो करने दो भाई, बोलना नहीं चाहिए अपराध हो जाएगा, क्यों अपराध होगा, अगर वैष्णव है तब तो अपराध होगा, वैष्णव ही नहीं है वो, इससे तो अच्छा जड़ जगत का आदमी है,
जड़ जगत का जो जेंटलमैन है वो उससे अच्छा है, क्योंकि अपराध करते हुए इतना फेरोसास हो गया, ये अपराध करते करते इतना गिर गया, इतना फेरोसास हो गया, एक लेपर्डो चीता बाघ से भी भयंकर है, भयंकर है। तो विष्णु वैष्णव निंदा परित्यक्त, ये व्यतिरिक रूप का विचार से, व्यतिरिक रूप का विकास है ना, ये तत्त्व कर्म उपवर्तन का अंदर है, व्यतिरिक रूप का विचार से विष्णु वैष्णव निंदा त्याग करना ये अनुकूल है, माना इसका अंदर में कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल। और विष्णु वैष्णव का निंदा बिल्कुल जो नहीं करते हैं, भगवान उसको ही कृपा करते हैं। कारे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय कृष्ण अजय चैतन्य चरण बा कृष्ण चरण जिन्हें भी खेले, हेले मैंने हेलाए वेरी इजीली, किसी को निंदा नहीं करता है और हर वक्त कृष्ण कृष्ण बोलता है, सेवा में लगे हुए हैं, उसको तो भगवान कृपा करे आए जरूर करेगा। और गुरुचरण आश्रय के बारे में कई बार मैंने चर्चा की, आदमी सोचता है कि कोई गुरु का संधान मिला, जिसको 20,000 शिष्य हैं, देश विदेश में जाता है इधर उधर, चलो इसका ही चरण आश्रय कर ले, लगता तो है ये अच्छा है। लेकिन गुरुचरण का महिमा समझने का बाद आश्रय लेना जरूरी है। गुरुचरण का क्या महिमा है अगर नहीं समझे तो क्यों आश्रय लेगा। क्यों आश्रय लेगा अगर समझा ही नहीं। और जो गुरुचरण का महिमा समझ में आया है और अपना जो बुरा हालत है, अपना जो बुरा स्थिति है, इसको समझ पाया जो व्यक्ति, अनित्य संसार यही छायाबाजी प्राय, यहां ते ममता कुरी बिथा बिथा दिन जाए, किसेर संसारी छायाबाजी प्राय। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने लिखा है, कहाँ का संसार है, ये तो एक मैजिक जैसा है, छायाबाजी प्राय। इसमें ममता जोड़कर मैं अपना सत्यानाश कर दिया, किसेर संसारी छायाबाजी प्राय। छायाबाजी मतलब ये मैजिक होता है छायाबाजी, किसेर संसार ई छायाबाजी प्राय, यहाते ममता करी बिथा दिन जाए। तो जो व्यक्ति अपना पोजीशन को समझा नहीं, जो व्यक्ति अपना पोजीशन को, अपना बुरा हालत को, अपना पेनफुल सिचुएशन को समझा नहीं, वो भला क्यों आश्रय लेने के लिए दौड़ेगा। पहले तो हम समझेगा मैं बेसहारा हूं, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, दुनिया तो ऐसा हालत है। ये समझने का बाद ही ये समस्या से निकलने का क्वेश्चन आता है। मैं फ्लड में बाढ़ आया, ये बाढ़ पानी में मैं जा रहा हूँ और जीने के लिए मैं चेष्टा कर रहा हूँ, बीच में एक पीपल ट्री, एक पीपल वृक्ष का एक डाल मिल गया, वृक्ष का ब्रांच, और जोर से पकड़ लिया, क्योंकि इट इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन मरण का समस्या है। जब तक आदमी ये संसार में रहते हुए ऐसा विचार में प्रतिष्ठित ना हो जाए कि ये इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई सर्वाइवल, इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई सर्वाइवल, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग, मेरा जिंदगी और मौत का सवाल है, बीच में कोई रास्ता नहीं। जब अगर हम ऐसा समझे, अनुभव करें
तब ही इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयत्न करे, नहीं तो नहीं करे। कोई भी आदमी ऐसा क्रियाक्रम नहीं करना करना चाहता है जो बेमतलब है। कोई भी कोई आदमी कभी भी ऐसा फजूल क्रियाक्रम नहीं करना चाहता है जो बेमतलब है, कोई कारण नहीं है। क्या होगा ये करके, वो करना नहीं चाहिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदधीर ओपीर न प्रवर्तते, एक कहावत है संस्कृत। एक पागल भी जरूरत नहीं है ये कोई काम में लगे रहता है ऐसा, उसका अंदर में कुछ है विचार। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, कोई प्रयोजन कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे पागल का वहां भी करना। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदधीर ओपी न बपर्तते, कोई क्रियाक्रम में कोई आदमी लगने का पहले सोचता है कि क्यों करूं, क्या फायदा है, यही तो करेगा ना। तो जब आदमी अपना बुरा हालत को महसूस करे कि मैं गिरा हुआ इंसान हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है, एक कोई गप नहीं है, मैंने देखा है। जब कोरोना का पीरियड, भयंकर कोरोना का पीरियड चल रहा था, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बहुत आदमी का शरणागति हुआ। अरे महाराज ये तो जो दिन का जिंदगी है, बहुत सारे कथा सुनने लग गया और गुरु सेवा में मन लगाया, फिनेंशियल अवस्था बहुत क्राइसिस है, कुछ पैसा नहीं है, लेकिन गुरु सेवा में बहुत उत्साह हुआ। अब जब ये हालत का समाधान हो गया, फिर से आदमी अपना सर को उठाना शुरू कर दिया। तीन आदमी तो गया, गुरुजी वैष्णव को लाठी मारना चाहता है, उसको फेंकना चाहता है, बस जैसे कोई डिस्टर्बेंस है, बस ऐसा हालत है, मैंने देखा है। कोई तो मुसीबत में गिरना जरूरी है, इसीलिए पोपा जी बार बार बताया आपका जो ये पेनफुल सिचुएशन है ये भगवान का कृपा है, लेकिन कभी भी आप ये विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। पापा जी ने बताया किसी का तबीयत बहुत खराब है, समझो कि भगवान का कृपा है, पैसा नहीं है, बच्चा बीवी लात लगा दिया घर से निकल गया। मैंने देखा आचार्य जो है, ऐसा भी आचार्य जो है जगत में प्रचार किया, बीवी बच्चा सब लात लगाकर निकल दिया, उसका बाद उसका विनम्र भाव आया, बेसहारा महसूस किया, गुरु वैष्णव के सहयोग किया, उसका बाद जब प्रचार में थोड़ा सक्सेस हुआ, गुरु वैष्णव को लात लगा दिया, अपमान किया। मैंने बोला जड़ जगत का आदमी भी बहुत अच्छा है, जड़ जगत का आदमी भी इससे अच्छा है। जो वैष्णव ने बचाया मेरे को, दवा कराया, खाना कराया, कुछ नहीं पेनीलेस, वो वैष्णव को ही गाली देना शुरू कर दिया, ये मैंने देखा। तो मुसीबत में गिरना जरूरी है, मुसीबत में गिरने से विनम्र भाव स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, ये होगा ही। लेकिन जब अच्छा समय आता है तब गुरु वैष्णव की याद नहीं रहता है। संसार का बीवी अगर तुरा प्यार करे उस समय गुरु वैष्णव भूल जाते हैं, क्या गुरु वैष्णव कुछ नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बताया, असुर बालकों को शिक्षा दिया। जो देखो कलाक्षरानम मनोरक्त धिया, बच्चा जब पापा पापा मामा मामा कहता बहुत आकर्षण है, और बीवी अगर थोड़ा प्यार दिखाए तो और अच्छा है, संसार जबरदस्त लग जाएगा, तब गुरु वैष्णव की याद नहीं। अब बीबी जब लात लगाई तब कहाँ जाए, आए आए टेंशन, अब गुरु वैष्णव के पास आए। समाज का ये नियम है, जेब में पैसा है, संसारी व्यक्ति हमको सम्मान दे रहा है,
अरे महाराज आपका माविक टैलेंटेड कुछ नहीं है, आप आओ मेरा पास, बस हो गया, सम्मान प्राप्ति हुआ। इतना साहस है गुरु वैष्णव के सामने अपना तारीफ करना शुरू कर देगा, गुरु वैष्णव के सामने अपना तारीफ करना शुरू कर देगा। और पूछा ही नहीं आपका तारीफ क्या है, आपका तारीफ तो ये है आप बद्ध जीव हो, मरने वाले हो, दो 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 पल का जिंदगी है, ये आपका तारीफ है। लेकिन आपको दुनिया भर का आदमी आपको सम्मान किया, आपने भूल गया कौन गुरु वैष्णव है, मारो फेंक दो बेकार, ऐसा हमारा विचार है। इसीलिए गुरु चरण आश्रय वैष्णव चरण आश्रय वो कोई मामूली बात नहीं है, हर आदमी नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। आश्रय लेने का पहले क्यों आश्रय लूं, कारण क्या है, इसको महसूस करना जरूरी है। मेरा हालत इतना गिरा हुआ है, कौन बचाएगा मेरे को, ये अगर नहीं अनुभव किया तो आपका गुरुचरण हरि नाम लिया व कुछ भी लिया, गायत्री लिया, कुछ भी नहीं, क्या होगा इसमें। जिसका ध्यान में गुरुजी का विषय में कोई विचार नहीं बनता, चिंता ही नहीं करता, वो सोचता है कि जो कुछ भी किया है गुरुजी का बाप का भी भाग्य है, गुरुजी का बाप का बाप जो है उसका सौभाग्य है कि मैं जैसा बड़े घराने का आदमी उसका पास आया है, तो गुरुजी लकी है ना, गुरुजी लकी, इट इज योर हाइनेस, आपका महानुभाव होता है। जो मेरा मापिक भिखारी का पास आप आए हो, यह आपका महिमा है, ऐसा विचार समाज में चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा विचार नहीं दिखाया, गौर किशोर बाबा जी महाराज का बाहरी दृष्टि में कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी एक एक शब्दों को मानने का प्रयत्न किया, इतना सम्मान दिया, कोई एजुकेशन नहीं है, बाहरी दृष्टि में भिखारी है, कोई पोजीशन नहीं है। आजकल का जमाने में गुरु ग्रहण करने का यही विचार है, यही विचार है। इसीलिए कोई आदमी मेरे को अगर पूछता है महाराज किसका पास आश्रय ले लूं, आप बताओ, हम बताएंगे नहीं इस विषय पर, क्योंकि पहले दो एक आदमी को बोला था, फिर उल्टा रिजल्ट हो गया, उल्टा रिजल्ट। किसी आदमी के मेरे को आज से बहुत साल पहले, 15-16 साल पहले मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आप दिखा दे दो, आप दिखा, अरे मैं दिखा देने का लायक नहीं हूं, मैंने नहीं देता हूं ना, मैं कोई नहीं जानेगा। प्रभुपाद का भजन कुटीर में वृंदावन में वहां गोपन रूप से बोले यहां दे दो, कोई नहीं जानेगा, किसी को हम नहीं बोलेंगे। अब देखो किसी को नहीं बोलोगे, लेकिन गुरु जी देख रहा है, प्रभुपाद देख रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकता। अब किसी के पास जाओ, जब हर हालत में मैं देने के लिए नहीं तैयार था तो हमको पूछा, अरे एक काम करो, ये आचार्य जो है, ये मठ है, इसका पास जाओ, इसका पास जाओ, इसका पास, ये अच्छा खासा साधु है, लेकिन सिचुएशन अच्छा नहीं, इसका चारों ओर जो है असुर लोग रहता है, और तब कैसे जाए। सुनो, शंकर भगवान, शंकर भगवान वैष्णव है, शंकर भगवान का चारों ओर असुर लोग रहता है, गौ किशोर बाबा जी महाराज इतना बड़ा भगवान का निजी जन है, इसका चारों ओर देखो सब बदमाश मक्कार सब रहता है। तो इन्होंने गया मेरा कहने से और दर्शन भी किया, और बाद में मेरे को खबर दिया, महाराज आपने ठीक बोला, ये जो साधु का सामने गया है, मैंने दंडवत किया, मेरे को लगा कि अच्छा संत का पास आ गया हूं, एकदम पक्का संत। हम बोला ठीक है, तो फिर अच्छा है, आश्रय ले लो। बाद में क्या हुआ, इन्होंने किसी का भड़काव में आ गया, जाके वो एक दूसरा एक आचार्य का, वो भी उसको भी नया आचार्य है, उसको आश्रय कर लिया। तो फिर माँ मेरे को खबर भेजा, मैं आया था मेरा पास वृंदावन में, तब वृंदावन में रहते थे,
तो मैं बोला आश्रय लिया? बोला हाँ लिया। बोला कहाँ आश्रय लिया? जो गुरु आपको बताया था। नहीं नहीं नहीं, क्यों? बोले महाराज आप तो ठीक बोला, जो उसका पास जब गया दंडवत किया तो लगता एकदम मेरे को लगा, पक्का लगा कि पक्का साधु का पास आ गया। और तो क्यों नहीं लिया महाराज? उसको उम्र बहुत हो गया, कब मर जाए को ठिकाना नहीं है, इसलिए नया एक आचार्य का जो जिसका एज कम है उसका चरण में आश्रय लिया। वहाँ अच्छा किया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला। इसके बाद मैं कि जवान खुलना बंद कर दिया। कहीं भी जाओ आपका इच्छा, मैंने कुछ बस एक काम करो, जो कथा निकल रहा है पौपा जी का कृपा से, एक कथा को आश्रय कर लो, ये कथा ही तुम्हारा गुरु है, बस। बाकी हम कुछ बोल नहीं सकता। बहुत सारे ऐसा आदमी है गलत जगह दीक्षा ले लिया है, बाद में हरिकथा सुना, बोले देखिए इतना ही काफी, हरिकथा सुनते रहो बस, आप कुछ नहीं बताएंगे, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आश्रय लेना, आश्रय लेने का जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है। आश्रय क्यों लोगे? हमने उदाहरण दिया, एक बैरेज का सत्यानाश हो गया और पानी एकदम गांव गांव का आदमी को सारे चीज को बहा के लेके गया, बच्चा चला गया, मैया चला, है ना, सारे पानी में, पानी का करंट में। मैंने उदाहरण दिया, सपोज करो कि एक पीपल ट्री वृक्ष का एक जटा आपका हाथ में आया, आप इसको पकड़कर जीने का कोशिश करो हर हालत में। जैसे गुरुजी बोलते थे, आ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, ऐसा ही आप बेसहारा हो, जीने के लिए अब हर हालत में लड़ाई करने के लिए तैयार हो, जीने के लिए, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऐसा आश्रय का बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपका जिंदगी भी खतरे में नहीं है। आप सोचते हो कि आपका जिंदगी भी खतरे में नहीं है, आप सोचते हो कि आपका जिंदगी भी खतरे में नहीं है, क्योंकि आपका लैंड प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ सारे है, बस आप क्यों सहारा लोगे? आप तो सहारा नहीं लोगे, अगर लोगे वो भी दिखावा है, बैंक की अमानती पैसा जमीन जायदाद सब ये सहारा है, इसी का सहारा में। लेकिन वो जो आदमी ये बाढ़ में जा रहा था फ्लैट का, वो जीने के लिए जो प्रयास प्रचेष्टा किया, ये दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। लेकिन आपका जिंदगी में गुरुचरण आश्रय ये भाव नहीं है आपका अंदर में, ये भाव का परिस्फुटन नहीं हुई, आप ये नहीं समझ पाए कि हमारा जिंदगी भी हर हालत में खतरे में है, इट्स द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, आप समझा नहीं। अब जब तक समझा नहीं तब तक आत्मजिज्ञासा खूब ध्यान दे, तब तक आत्मजिज्ञासा सेल्फ इंक्वायरी नहीं आ सकता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाए, बस ये जो जन्म लिया ये सब कुछ है, ये सब क्वेश्चन आना जरूरी है। जिसका अंदर में कोई सेल्फ इंक्वायरी नहीं है, किसी का कहने से अचला दीक्षा लेने के लिए, ये दीक्षा पक्का नहीं हो पाता। जब लक्ष्य हीरा समझ गई कि मैंने इतना बड़ा अन्याय किया हरिदास ठाकुर के चरण में, मेरा कदापि निस्तार नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वेश्यावृत्ति करके जमाया सब बेकार है, मेरा जिंदगी खतरे में है, तभी हरिदास ठाकुर को हाथ उठाकर बताया, बचा लो मेरे को। और सनातन गोसाई जी महाप्रभु के सामने ऐसा है लीला रचाया, जम के आमी कहने मोरे जारिता पुत्र आए,
यहाँ नहीं जानी कोई से मोर हित है। सनातन गोसाई भगवान का नित्य पार्षद है, फिर भी इच्छा करके ऐसा, मैं कौन हूँ, क्यों मेरे को त्रिताप ज्वाला मिलता है, के आमी कहने मोरे जारेता पत्र है, मेरा मंगल कैसे हो सकता है, विचार नहीं सकता। और उदाहरण दे, बहुत सारे उदाहरण है, जैसे तिरंडी भिक्षुक, भागवत जी महाप्राण का तिरंडी भिक्षुक, घर से लात लगाया उसको, निकाल यहां से, कोई बेसहारा हो गया, सारे पैसा गया, जमींदार सब चला गया, अचानक अंदर में चैत्य गुरु का कृपा प्रकट भए, वो समझ पाए जे मैं कुछ भी नहीं, निश्चित रूप में भगवान आज मेरे ऊपर संतुष्ट हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि आज तक कभी मेरा अंदर में वैराग्यों का पैदा नहीं हुआ, नूनंग में भगवान हरि ही संतुष्ट हो, आज मेरे ऊपर हरि संतुष्ट है, इसीलिए मेरा अंदर में वैराग्यों का पैदा हुआ है, मेरा अंदर में भगवत चरण का सेवा करने का इच्छा पैदा हुई है, इसीलिए आज ही मेरा मंगल का रास्ता खुल गया। तो इतना सारे उदाहरण दिया नरोत्तम ठाकुर जी ने, गुरुचरण आश्रय के लिए सोचा है, लोकनाथ गोसाई किसी भी हालत से दीक्षा ले ले, दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, लोकनाथ गोस्वामी किसी भी हालत से नरोत्तम ठाकुर को दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नरोत्तम ठाकुर इसी को ही गुरु माना, आदौ गुरु पदाश्रयो तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, आदौ गुरु पदाश्रय, गुरुचरण का आश्रय के मैंने को बचा लो, आपका सहारा ले लिया मैंने, अब बचाओ, बाद में नरोत्तम ठाकुर का सेवा का भाव देखकर लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा दे दी। ये नरोत्तम ठाकुर का जो उदाहरण है इसके द्वारा आप समझ सकोगे, नहीं तो वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भागवत जी महापुराण में है अथातो तत्व जिज्ञासा, ये सब जो है चैतन्य चैतन्य में कि कौन है मूं, मैं कौन हूं, ये तत्व जिज्ञासा का विषय है। जब तक तत्व जिज्ञासा हृदय में नाम उदित हो जाए, आत्म जिज्ञासा जब तक हृदय में पैदा नहीं हो जाए, तब तक गुरुचरण आश्रय लेने का बहाना है। तो पहले गुरुचरण का महिमा देखकर उसको चरण को अपनाना, गुरुचरण का महिमा देख के अपना जिंदगी में ये गुरुचरण को अपना लेना, उसका बाद उसका चरण में रोना, मेरे को दीक्षा दे दो बचा लो, तो ये गुरुचरण आश्रय है। इसीलिए प्रभुपाद हरि कथा में कहते थे, इसीलिए प्रभुपाद हरि कथा में कहते थे ये जो लोग गौरी मठ में आश्रय लेने का बहाना लेकर आया है, जो लोग गौरियामठ का आश्रय लेने का बहाना लेकर आया है, ये लोगों का साथ गौरियामठ का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसका साथ गौरियामठ का कोई संबंध, दिव्य ज्ञानेर अपव्यवहार करवार मानसे जारा गौरिया मठेर आश्रित परिचये
পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের সঙ্গে গৌড়িয়া মঠের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, নেই আর থাকবে না। দিব্য জ্ঞান কা মিসইউজ করনে কা বাহানা লেকর যে গৌড়িয়া মঠ কা আশ্রয় লেনে কা বিষয় প্রচার কিয়া, মানে গৌড়িয়া মঠ কা আশ্রিত বোলকর পরিচয় দেনে কা বাহানা দিখাযা, এ লোকের সাথ গৌড়িয়া মঠ কা কোই সম্বন্ধ নেই। কই বার প্রভুপাদ হরিকথা কীর্তন মে কহতে থে, লিখনি মে আপনা লিখনি মে বাস্তবিক দীক্ষা, বাস্তবিক দীক্ষা ওর তথাকথিত দীক্ষা এক জেসা লগতা হ্যাঁ, লেকিন বিলকুল এক নেই। কই বার প্রভুপাদ এসা কহতে থে, কই বার প্রভুপাদ এসা কহতে থে যে বাস্তব দীক্ষা আর দীক্ষা লেনে কা বাহানা দোনো এক জেসা লগতা হ্যাঁ, লেকিন এক নেই। জিস দীক্ষাকে দ্বারা আপনার জিন্দগি মে দিব্য জ্ঞান কা উন্মেষ হো নাই পায়া, এ ভি কেসা দীক্ষা হ্যায়, এ ভি কেসা দীক্ষা হ্যায়। জো দীক্ষা প্রাপ্তি করনে কা বাদ আপনার জিন্দগি মে দিব্য জ্ঞান কা উন্মেষ নাই হো পায়া, আবি তক আপ গলত রাস্তা মে যা রহে হো, মায়া কা দিখায় হুয়া রাস্তে মে যা রহে হো, এ কেসা দীক্ষা হ্যায়। জিস দীক্ষাকে দ্বারা দিব্য জ্ঞান প্রাপ্তি হো নাই পায়া, এ ভি কোই দীক্ষা হ্যায়, কিউকি দীক্ষা কা মতলব ক্যা হ্যায়, দীক্ষা কা মতলব হ্যায় দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত করনা। সো তাই চাহে 30 সাল হো যায়, 40 সাল হো যায়, কোই আগর দাবা করে মানে 30 সাল হো গিয়া দীক্ষা লিয়া, তো বাদ কে রে ইসকা দীক্ষা নাই হো পায়া, কিউকি ইসকা আত্মসমর্পণ নাই হ্যায়, ইসকা অন্দর মে ফলস ইগো হ্যায়, অভিমান হ্যাঁ মে ফলানা হু, ইয়ে হু, ও হু, ফলানা হু, তো ইসকা দীক্ষা কা কোই পসিবিলিটি নাই হ্যায়, ইসকা দীক্ষা নাই হ্যায়, ইসকা দীক্ষা হো নাই পায়া। বাস্তবিক দীক্ষা কা মতলব দিব্য জ্ঞান কা উন্মেষ হোনা, আপনা সম্বন্ধিত সম্বন্ধ জ্ঞান মে প্রতিষ্ঠিত হো জানা, গুরু কোহি আপনা জীবন জিন্দগি কা সব কুছ সম্পত্তি আপনা আদমি সমঝনা, গুরুদেব তাপনা, গুরুদেব আর ভগবান মে অলগ নেই সমঝনা, গুরুদেব তাপমা ভক্তই কো এইসম গুরুদেব তাপমা, জব তক এ সব বিচার না হো যায় তব তক সব বেকার হ্যায়। তো গুরুপদ আশ্রয় আশ্রয় কে পহনে বহু সারে এ সব বিচার আপকো ছানবিন কর কর দেখনা হ্যায়। इसके बाद तत्त कर्म प्रवर्तन का अंतर्गत पोपत कह रहे हैं, अगर अगर दिव्य ज्ञान नहीं हो पाया तो क्या हुआ, दीक्षा नहीं हो पाया तो ये दीक्षा का माफिक कुछ हुआ तो हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोले इसमें वास्तविक भगवत सेवा में भजन में अधिकार नहीं होता, अधिकार मतलब होगा ही नहीं, वास्तविक भगवत सेवा में गुरु वैष्णव सेवा में अधिकार नहीं बनता, तो ये तो दीक्षा लिया है तो अधिकार नहीं बनेगा तो क्या होगा, कुछ तो होगा। प्रभुपाद बोला हाँ इसका सुकृति हो जाएगा, भगवत भजन में अधिकार नहीं है, भगवत भजन में भगवत सेवा में अधिकार नहीं हो पाए, क्योंकि इसका दीक्षा वास्तविक दीक्षा नहीं कपट दीक्षा है, कपट दीक्षा है। 40 সাল হো, 30 সাল হো, 50 সাল হো, ফরক নেই পড়তা, এ কোই বাত নেই, দিব্য জ্ঞান হোনে সে দীক্ষা কমপ্লিট, কমপ্লিট মতলব দীক্ষা হুয়া হ্যায়, দিব্য জ্ঞান কা উন্মেষ। ওর মানে ইহা তক বতায়া ভগবান কো সেবা করনে কা পহলে সম্বন্ধ জ্ঞান জরুরি হ্যায়, সম্বন্ধ জ্ঞান মে প্রতিষ্ঠিত নাই হোনে সে সেবা কা শুরুয়াত নাই হো পাতা, রাগানুগা মার্গ কা বাত তো ছোড় দো, এ তো আবি গিনতি মে নাই লে রহা হুঁ, বিধি মার্গ মে ভি
मैं तो इतना भूखा नहीं हूं, तो रागानुगा मार्ग के बारे में मैं अभी नहीं विचार नहीं बना रहा। विधि मार्ग का बारे में भी अगर विचार बनाओ, विधि मार्ग में भी भगवान का साथ दासो सख्यो दासो ही होता है ज्यादा विधि मार्ग में, विधि मार्ग में। तो ये संबंध होने का बाद मैं सेवक हूं, भगवान मालिक है, भगवान हमारा, हम मैं बेसहारा हूं, भगवान मेरा सहारा है। तो दास शख्यादि भक्तोंग समूह का जाजन करना ये आत्मनिवेदन करने का बाद ही सेवा का क्वेश्चन आता है। आत्मनिवेदन नहीं करने से सेवा हो नहीं सकता। भगवान का होकर, भगवान का होकर भगवान का सेवा करना, जैसे लड़की का साथ एक आदमी का शादी हुआ, ये लड़की अगर स्वामी का ना हो जाए, मैं आपका हूं ऐसा ना जब तक ना हो जाए तब तक सेवा, तब तक स्वामी का जो परिचर्या नहीं हो सकता। मैं आपका हूं, आप मेरा हो, भगवान का होके भगवान का सेवा करना, गुरु वैष्णव का होके गुरु वैष्णव का सेवा करना, ये जरूरी है। अगर कुछ इसमें ड्रामाबाजी हो गया तो उल्टा हो जाएगा। दासो सख्यो आदि जो कुछ भी है, और इसका बाद जब कोई रूपानुगो भक्तों का सान्निध्य में, रूपानुगो रागानुगो भक्तों का सान्निध्य में कृपा के द्वारा प्रेरित होकर अपना हृदय में अनंत काल से छुपा हुआ जो बीज है, इस बीज एप्रोप्रिएट संगो वास्तविक संगो होने से खुल जाता है। बात समझा नहीं? जैसे एक आम का बीज लाया और सही ढंग से ये बीज को किसी जमीन में बो दिया, इसके बाद अच्छा हवा पानी सूरज का ताप लेकर आम का वो बीज से पेड़ पैदा हुआ। ऐसे ही हर जीवों का हृदय में अनंत काल से छुपा हुआ एक स्पेशल बीज है, जिसका बारे में अनंत काल से हम लोगों को पता नहीं था। अनंत काल के इतिहास में ऐसा कभी समय नहीं था जिस समय में आप और हम नहीं थे, सिर्फ परिवर्तन हुआ, शरीर लिया, शरीर धारण किया, इतना ही है। तो अनंत काल के इतिहास में मैं जो एक जीवात्मा हूं, मेरा जो अंदर में छुपा हुआ स्वरूप है ये पता नहीं चला, लेकिन गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा, भगवान का कृपा के द्वारा जब भी हमारा अंदर का छुपा हुआ बीज प्रस्फुटित हो जाए तब पता चलेगा। हर आदमी का एक ही है ऐसा नहीं, अलग अलग बीज है। जैसा आम का पेड़ आम का बीज अलग है, जाम का बीज है, अलग अलग बीज अलग अलग फल, ऐसे ही हर जीवों का अंदर में छुपा हुआ अनंत काल से एक स्वरूप है। भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में लिखा है, ये अपना स्वरूप को प्रकाश में लाने के लिए साधु संघ जरूरी है। जब एप्रोप्रिएट साधु संघ मिल जाए तब ये बीज का उन्मेष हो जाएगा। मतलब ये है कि अभी इस साधु संग करते करते मेरा जो अंदर में छुपा हुआ जो बीज है, इसका ऐसा कृपा मिल गया कि अंदर में छुपा हुआ बीज परिस्फुटित हो गया। इसीलिए हर आदमी के लिए एक रस नहीं बैठता है,
एक एक आदमी के लिए एक अलग अलग रहस्य है, एक एक आदमी के लिए अलग अलग रहस्य, एक एक जैसा नहीं है। इसीलिए मुरारी गुप्तों को इतना चाला है भगवान ने, फिर भी उसका बीज है दास्य हनुमान जी महाराज। अनुपम का एक ही राम जी का भक्त है, दास्य भक्त हो, किसी भी हालत से परिवर्तन कर नहीं पाया। प्रिलिमिनरी साधु संघ का द्वारा, साधु संघ के द्वारा, साधु संघ के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है इसमें चेतना का उन्मेष होता है, और इसके बाद गुरुचरण आश्रय का जरूरी महसूस होता है, उसका बाद आगे बढ़ता है। और भगवान का कृपा के द्वारा किसी अप्रोप्रिएट साधु का संग हो गया तो इसका अंदर का जो बीज है वो परिस्फुटित हो जाए। तो ये जो तत्त्वकर्म प्रवर्तनाद का अंदर में है, विष्णु वैष्णव निंदा त्याग, ये व्यतिरिक विचार, श्री गुरुचरण आश्रय के बारे में जो चर्चा किया ये अन्य विचार है। और दास्य सख्यादि संबंध ज्ञान का, दास्य सख्यादि संबंध ज्ञान का विचार बनाकर भगवान को सेवा करे तो बहुत अच्छा है। अगर ये विचार बना के करे भगवान का सेवा अच्छा है, दास्य सख को विचार बना के करे मेरा साथ भगवान का संबंध क्या है। श्यामानंद प्रभु का बारे में हमने बताया था, गौरीदास पंडित का शिष्य है हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य सखोरास का, गौरीदास पंडित द्वादश गोपाल का एक है सखा है, ये भी सखरस का है, और श्यामानंद प्रभु को सक्षरस मिला, सखरस का मंत्र मिला, मैंने हृदय से गुरु जी के हृदय से उसका हृदय में क्या है, लेकिन बाद में देखा गया, बाद में देखा गया श्यामानंद प्रभु का जो बीज है भाव, तो ऐसा तो नित्य जगत का है ही है, फिर भी ये तो नित्य जगत का है, ये तो नित्य जगत का है, लेकिन पहले शुरुआत में गौरीदास पंडित सखरस का है, हृदय चैतन्य सखरस का है, लेकिन कहां से श्यामानंद प्रभु मधुर रस का भजन में लग गया। इसका अंदर में जो भाव है ये प्रकटित हो गया। कनक मंजरी राधा रानी का कृपा से, तो ये सारे बहुत सारे चर्चा है इसका अंदर में। तो दास्य सख्यादि भक्ति अंग समूह ये भी तत्त्वकर्म प्रवर्तनात् का अंदर में आता है। और कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा मतलब जो कुछ भी क्रियाक्रम करे सब कृष्ण के लिए, जो कुछ भी क्रियाक्रम करे, उठना बैठना चलना खाना जाना कुछ भी करना, पैसा कमाना कुछ भी करना, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, ये अगर हो जाए दे तत्त्वकर्म प्रवर्तना। अगर कोई प्रश्न उठाए कि महाराज मैं गृहस्थी हूं, मैं अपना बीवी के लिए बच्चा के लिए तो पैसा कमाता हूं, ये पर नहीं, ये नहीं चलेगी। अगर संसार भी करना है, अगर आपको संसार भी करना है वो भी कृष्णार्थ अखिल चेष्टितम का अंदर में आनी चाहिए, आना चाहिए। आपका पैसा कमाना, व्यापार करना, कुछ भी करना, संसार में रहना, शादी करना, बाल बच्चा पैदा होना, तमाम जो चीजें हैं सारे भगवान का लिए ही होना चाहिए, तमाम कृष्णार्थे अखिलो चेष्टितम, कृष्ण का लिए ही संसार करना। पोपात अक्सर एक श्लोक
बोला करते थे हरि कथा में अक्सर लौकिकी वैदिकी बापी जा क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानु कुलेन कुलैवो सा कार्य भक्ति मिच्छता। आई बात समय में लौकिकी वैदिकी व्यापी बा जा 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 क्रिया क्रियते मुने लौकिक क्रिया कर्मों अपना सगे संबंधी रिश्तेदारों को साथ थोड़ा बातें करना उचित है, मैं गृहस्थ में हूं तो लौकिकी लौकिक रूप में समाज का किसी का व्यक्ति मेरे साथ दिखा करने आया है उसका साथ दो बातें करना है लौकिक क्रियाक्रम और वैदिक क्रियाक्रम जो कुछ भी करो ये भी भगवान का सेवा का अनुकूल होना चाहिए। वैदिक अर्थात वैदिक इंजंक्शन शास्त्रों का आधार पर जो कुछ भी कर रहे हो ऑल शुड बी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ भगवान। लौकिकी वैदिकी बापी जा क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलैव सा कार्य भक्तिमिच्छता। कुछ भी करो, बहुत सारे कहानी हैं, आप देखो धर्म व्याध का बारे में गल्प आता है बहुत सारे, जो कुछ भी करो सब भगवान का संतुष्टि विधान के लिए करो। राजा हो जाए और राजा होने से तो क्या करो, मगर राजा होने से भी भगवान का संतुष्टि के लिए युधिष्ठिर महाराज का राजपाठ जो कुछ भी है सारे भगवान का लिए, युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय योग करना ये भी भगवान का संतुष्टि विधान के लिए, युधिष्ठिर महाराज का राज सिंहासन में उपवेशन करना ये भी भगवान का संतुष्टि के लिए, अपना लिए कुछ नहीं है। जो युधिष्ठिर महाराज का सिंहासन में बैठना ये भक्ति का अनुकूल है और आपका 10,000 रुपया कमाना ये भी भक्ति का प्रतिकूल है, इतना ही फर्क है। लौकिकी वैदिकी बापी जा क्रिया क्रियते मुने है, कोई भी क्रियाकर्म करो सब भक्ति का अनुकूल, हरि सेवा का अनुकूल, हरि सेवानुकूलैव सा कार्य भक्तिमिच्छता, भक्ति का अनुकूल। काल इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो कुछ भी है काय मन वाक्यों के द्वारा कुछ भी करो जो कुछ भी है सब भक्ति का अनुकूल होनी चाहिए, सब भक्ति का अनुकूल होनी चाहिए अर्थात तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अंदर में आना चाहिए। लौकिकी वैदिकी बापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलैव सा कार्य भक्तिमिच्छता। तात्पर्य ये है मानव गण संसार में वर्तमान अवस्था में जो कुछ भी वैदिक और लौकिक क्रियाकर्म करने में जुटे हुए हैं, करने में व्यस्त हैं, ये सारे भक्ति का अनुकूल होनी चाहिए, कृष्ण बहिर्मुख रूप से होने नहीं चाहिए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का संसार, शिवानंद सेन का संसार, शिवास पंडित का संसार सारे भक्ति का अनुकूल,
लौकिकी वैदिकी बापी जा क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूलैव साकार्या भक्तिमिच्छता। संसार भी शुरू करे विवाह करे इसका भी मकसद होनी चाहिए कृष्ण सेवक वृद्धि। एक कृष्ण का दास दासी है मेरा लड़का लड़की बीवी बच्चा सब कुछ। कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम सारे क्रियाक्रम, यहां तक कि श्रद्धा, यहां तक कि किसी ने प्रश्न किया है, किसी ने प्रश्न किया है महाराज पिताजी का श्राद्ध करने के लिए जा रहा हूं क्या करूं। और देखो पिताजी वैष्णव नहीं है, आप वैष्णव हो, आप ये संसार में रहते हो, इस संसार में रहते हो ना, तो आपका पिताजी को जो श्राद्ध करने जाओगे ये अगर पिताजी का बारे में ही आप चिंता करोगे, भगवान का चिंता अगर छोड़ दोगे तो आपका पिताजी का कभी भी मंगल नहीं हो सकता, कभी भी मंगल नहीं होता। आप किसी वैष्णव का पितृ श्राद्ध कोई भी श्राद्ध करे श्राद्ध, ये भी भगवान का सेवा का अनुकूल होनी चाहिए। महाप्रसाद बनाकर ये भगवान महाप्रसाद अर्थात भोग लगाकर भगवान का प्रसाद निकाला, ये मेरा पित्र पूर्वजों पूर्वजों पिता माता पर बाबा सबको के लिए निवेदन कर दी और ये प्रसाद का थाली लेकर गंगा जी में बहा दिया। तो कोई भी क्रियाकर्म करो, कोई भी उत्सव करो, कुछ भी करो, अगर भगवान का भक्ति का बारे में कोई अटेंशन नहीं है, ध्यान दे इस बात पर, अगर भक्ति का भक्ति वृद्धि भक्ति का पोषक कुछ भी नहीं है तो आपका क्रियाक्रम सारे मेटेरियल है, आपके सारे क्रियाक्रम मेटेरियल है। भक्ति का अनुकूल बनाने के लिए हरि कीर्तन हरि कथा उत्सव में सब कुछ चाहिए। अगर प्रतिकूल है तो सारे भक्तिविनोद ठाकुर ने गीता का एक श्लोक का ऊपर आधार पर बहुत सारे सुंदर चर्चा की, बोले जो कुछ भी क्रियाकर्म करे आप विचार करें, आप किसी मंदिर में प्रसाद पाने के लिए जा रहे हो ठीक है, आप विचार बनाओ मंदिर का आचार्य कौन है, कोई असुर है कि राक्षस है कि आदमी है कि बाबा है कि आपका शिल भक्ति तो माधु गुस्सी महाराज जैसा एक महापुरुष है, कौन है और पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा ठीक है ना, ब्लैक मनी तो नहीं है, चोर बदमाशी का पैसा तो नहीं है। दूसरा है कौन सेवक रुसी करेगा, ये बाहर का आदमी बुला के रुसी कर रहा है क्या, और कौन भोग लगाएगा, कौन भोग लगाएगा, ये भक्त है कि बाहर का आदमी है बदमाश। मैंने बहुत सारे सुध ऐसा घटना सुना है, एक जगह एक आदमी ने पहुंचा है और मंदिर में महाराज जी को बोलकर दो एक दिन रहने का व्यवस्था कर ली और प्रसाद भी उधर से, लेकिन हैरान की बात है प्रसाद पाने का बाद ही इसका मन में बेचैनी पैदा हुआ, काम आ गया, काम इसका अंदर में काम पैदा हुआ, बहु अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरा मन तो ऐसा नहीं था, बोला हो गया। बाद में खबर मिला ये जो पुजारी है बदमाश है, रातों का टाइम में बहुत खराब काम करता है, हो गया छुट्टी। बहुत सारे ऐसा घटना है, हो गया छुट्टी। कीर्तन कर रहा है रात का टाइम में बदमाशी कर रहा है, मैंने खूब देखा, उसको माना किया ऐसा मत करो,
मोबाइल लेके ऐसा मत करो, लेकिन माना नहीं, छुप छुपा क्या कर रहे हैं। आज दिन का टाइम में कीर्तन कर रहे हैं, हम बोला वाह बहुत सुंदर है, सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो, ये कीर्तन सुनकर आपका मंगल होगा, ये प्रसाद पाकर आपका मंगल हो सकता? कभी भी नहीं हो सकता ना। चंचल हो गया, चंचल हो गया, ये होना ही है। तो प्रसाद पाने का पहले आपको सोचना है, श्रेयानो दुब्ब मैया जग्याद ज्ञान योग्यम परंतपः सर्वान कर्मान खीलम ज्ञानी परिसमापते। ये श्लोक का श्रील सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर जी गजब का व्याख्या किए, सुंदर भक्तिमय ठाकुर जी बताए। अगर कोई फंक्शन में जा रहा है हरिकथा सुनने, या भंडारा प्रसाद पाने के लिए कोई भी क्या कर्म करे, या तो मालिक हो आप अनुष्ठान करने जा रहे हो, रसोई कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन सब क्रियाकर्म करने के बाद यू विल हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज द नेट आउटकम। आप जो किया है इसका नेट आउटकम क्या है, आपको सोचना है। ये अगर सोचना बंद कर दिया तो आप हो गया आपका छुट्टी। कोई भी क्रियाकर्म करो, कोई भी क्या करो, हरिकथा सुना, हरिकथा बोला, हरिकथा सुना, प्रसाद पाया, पर्यटन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए गया, कुछ भी किया करो, यू विल हैव टू थिंक व्हाट इज द नेट आउटकम। श्रेयानो दिव्य मै जग्याद ज्ञान यज्ञम परंतप। परंतप मतलब परपक्ष को तपाने वाले, परपक्ष को तपाने वाले, जलाने वाले अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। श्रेयानो दुब्ब मै जग्याद ज्ञान यज्ञम परंतप। हे अर्जुन, कोई भी योग्य है दुनिया में, ये सारे स्थूल योग्य है, सारे स्थूल योग्य है ना, स्थूल मोटा, या तो आंख फायर सेक्रीफाइस से लेकर इस समाज में जो सब सारे योग्य अनुष्ठान हो रहा है, तमाम योग्य श्रेयानो दुब्ब में जग्य। मैंने एक तो भंडारा का व्यवस्था किया, हमको शाक सब्जी पनीर दूध खीर सब लाना है, हमको लाना है ना, लेकिन सारे मिट, हम पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए, चंदन चाहिए, फूल चाहिए, माला चाहिए, फल चाहिए, बहुत सारे अर्चन करने के लिए चाहिए ना। तो ऑल मैटर इन्वॉल्व है, भोग रसोई किया, चावल पकाया, परमन्न बनाया, सारे हमने बना दिए, बट ऑल मैटर इन्वॉल्व है, चाहे रसोई करो, चाहे पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, इसमें ऑल मैटर्स आर इन्वॉल्व। मैटर है ना, जग करने जा रहे हो, आपको घी लाना है, काट लाना है, सब मैटर मैटर है ना, सारे मैटर, बट इतना ही फर्क है। जब अब जब कोई भक्त हो, ध्यान दे, सब तो मैटर है, ये तो ठीक ही है, मैं बाजार से चाल लाया हूं, उसी को तो भोग लगा के भगवान को दे रहा है, सारे मैटर है। फर्क इतना है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो मे भक्त्या प्रजच्छत, इस बात को नहीं बोलना, भगवान का खुद का बयान है, भगवान का खुद का बयान है, भगवान खुद बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अतः पत्रो पुष्पो पुष्प फूल फल जो कुछ भी, जल पानी जो कुछ भी मेरे को कोई भक्ति का साथ दे रहा है, तदहम अस्मामी पूजतात्मा, भक्ति का साथ अगर दे मैं उसको ग्रहण करूं। तो समझ गया ना। तो फिर देखो, ये तो चाल दाल शाक सब्जी हरा सब्जी कुछ भी हो, पनीर वो तो मैटर है ही है, और मैटर का कंटेमिनेशन तो है ही है, कोई यूरिया डाल रहा है, कोई पनीर में कुछ उल्टा कुछ दे रहा है, आटा डाल रहा है, प्रत्यक्ष पनीर लेने गया तो उसमें पाइल है, आटा डाल दिया, तो किसी वस्तु का कोई प्यूरिटी है
जो भी है, जो कुछ भी करने जाओ, यज्ञ करने जाओ, फायर सके उसमें भी काट चाहिए, घी चाहिए, हवन का और सारे वस्तु चाहिए, सारे जरूरी है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये जगत में कोई भी कोई कुछ यज्ञ करने जा रहा है तो ये मैटर्स आर ऑल इन्वॉल्व्ड हियर। इससे अच्छा है ज्ञानमय यज्ञ, क्यों, ये सुपर फाइन है। श्रेयानो द्रुपमय यज्ञाद ज्ञान यज्ञम परंतपः, द्रुपमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों, अगर कोई कहे महाराज हम अभी से ज्ञान यज्ञ शुरू कर देंगे, हम सब फेंक फाक देंगे, अरे पागल है। कोई अगर ऐसा समझे महाराज आज बोला है अपने ये द्रुपमय यज्ञ फेंको और ज्ञान यज्ञ शुरू कर, उतना इजी नहीं है। गीता का प्रवचन सुना ही नहीं आपने, नहीं तो ऐसा नहीं कहते। द्रव्यमय यज्ञ करते 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 जब आपका ऐसा फाइन स्टेज आएगा तब आपको ज्ञान यज्ञ का अधिकार मिलेगा। आदमी को उठा के पटक दे बोले चल उधर चल, ऐसा होगा नहीं। सो कोई भी क्रिया, इसीलिए भगवान बोला स्वधर्म निधनम से हो परधर्म न भयावह। स्वधर्म में रहकर जो क्रियाक्रम कर रहे हो, स्वधर्म में अपना वर्णाश्रम का अनुसार स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर जो कुछ भी कर रहे हो वो अच्छा है। आप शुद्र हो, भगवान को प्यार कर ठीक है कर रहे हो, लेकिन स्वधर्म फेंक कर आप चमार हो, आप ब्राह्मण का अधिकार छीनने के लिए दौड़ रहे, पूजा करोगे काल से, ये ठीक नहीं। स्वधर्म निधनम से हो परधर्म भयावह, ये वर्णा समझना। कोई अगर भक्त बन गया वो तो अलग सा बात है। जैसे तिरुप्पन अल्वार, उन्होंने चांडाल कुल में, लेकिन सबसे बड़ा आचार्य है, लेकिन रामानुजो विशेष करके रामानंदी संप्रदाय में बहुत सा गलत भावना है, बहुत सारे ये लोग सोचता है कि ब्राह्मण छोड़कर वो किसी का कोई कीमत नहीं है। बाहरी विचार में ये लोग दिखाता है आवर सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी, बट तुम्हारा पूर्वजो जो है शठकोप से लेकर बाकी देखो विश्वक्सेन का अवतार है शठकोप, फिर तिरुप्पन अल्वार देखो आगे चल के सब देखो, तो आपने विचार उल्टा किया। कोई वैष्णव बन गया विशुद्ध हो ये तो अलग बात है, लेकिन मैं वर्णाश्रम धर्म का चर्चा करते हुए ये बता रहा हूं। कोई अगर स्वधर्म निधनम से हो, अपना धर्म को पालन करते करते मरना भी अच्छा है, फिर भी दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, फिर भी भयावह है परधर्म भयावह, क्योंकि इसमें ग्रेजुअल प्रमोशनल प्रोसीड्योर जो है ये रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप अगर बोलोगे अकाल से डाल चाल नहीं लेंगे, सब फेंक फाक देंगे और हम ज्ञान युग को शुरू करेंगे, वृंदावन में अक्सर देखा भागवत ज्ञान योग्य है, अरे उसका खुद का ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान योग्य। भक्ति विनोद ठाकुर का कहने का मतलब है कोई भी किया कर्म करो, जैसे अपना जिंदगी में कुछ भी किया है भला बुरा कुछ तो किया होगा, नाउ इट इज कमिंग इनसाइड मी इन फाइन फॉर्म। कोई अगर कदम उठाने जाए मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस बता देता ऐसा नहीं करो, फाइन फॉर्म में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है ना। जब ये समाज संसार अनित्य है, मेरा शरीर अनित्य है, इस जगत जो है सपने जैसा है, संसार है संसार नहीं है ऐसा नहीं है, ये कैसा है, तब ये ज्ञान युग में अधिकार हो सकता है, इसका पहले नहीं। जब समाज संसार का अनस्टेबिलिटी अस्थाई भाव सारे समझ में आएगा तो तमाम द्रव्यमय युग के द्वारा धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते रहें
और ज्ञानमय यज्ञ मतलब नेट आउटकम। ये जो मैंने यज्ञ किया, रात को हम सोचेंगे मेरा क्या आउटकम है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, नेट आउटकम है क्या, मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट, मेरा आध्यात्मिक कोई अग्रगति, मेरा आध्यात्मिक कोई प्रमोशन हुआ कि नहीं, जो कुछ भी मैंने किया दुब्बमय युग को, बट इसका फाइनल आउटकम क्या है, मेरे को कुछ बैकिंग मिला कि नहीं, मेरे को कुछ बैकिंग मिला, मेरा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का कुछ बैकिंग मिला, मेरा तरक्की, मेरा कॉन्शियसनेस का कुछ तरक्की हो पाया, मेरा कॉन्शियसनेस का कुछ तरक्की हो पाया, ये जब जो सोच विचार है ये जरूरी है। गुरु जी से दिखा लिया है हमने सब कुछ किया, अरे नेट आउटकम क्या है, अब दिखा लिया है इतना किया है उतना क्या फलाना किया है, लेकिन व्हाट इज द आउटकम, एक ज्ञान युग को बड़ा फाइन है। इसीलिए भगवान बोला है द्रव्यमय युग को करने से ज्ञान युग को फाइन है, ज्ञान योग्य फाइन है। नहीं ज्ञने न सदृशम पवित्रमीह विद्वते, नहीं ज्ञने न सदृशम पवित्रमीह विद्वते, भगवान बोला, क्योंकि ज्ञान योग्य फाइन है। हम अपना जिंदगी में गुरु जी का उपदेश सारे धारण करके डाइजेस्ट किया, अपना आचरण में पालन करने का कोशिश किया, अब आज दो शब्दों आपको कह रहा हूं, ये मेरे लिए भक्ति योग्य बोल सकते हो, ज्ञान योग्य, क्योंकि ज्ञान योग्य फाइनल स्टेज में परिपक्व अवस्था में, ज्ञान योग्य फाइनल स्टेज परिपक्व अवस्था में भक्ति योग्य का नामांतर हो जाता है, मतलब उस समय परिपक्व ज्ञान जो परिपक्व ज्ञान जो है ये भक्ति का ही नाम है, एक ही है। तो आपको समझ में आया क्यों भक्ति विनोद ठाकुर इतना सारे बात उठाया, क्यों, अगर नहीं चर्चा करे तो आदमी समझेगा नहीं, अगर चर्चा भी करे आपको याद नहीं रहता, ये भी एक मुसीबत है, बहुत मुश्किल। तो श्रेयानो दुब्बमय ज्ञान युग्म परंतवा, क्यों सर्वान सर्वान कर्मान अखिलन पार्थो ज्ञाने समापते, सर्व कर्म जो है एक ज्ञान रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, फाइन फॉर्म में, आई बात समझ में। बहुत सारे सो द्रव्यमय योग्य मतलब जो मैटर इन्वॉल्व है, कोई भी क्रियाकर्म करने जाओ विदाउट मैटर, कोई वस्तु तो चाहिए, रसोई करे वस्तु चाहिए, पात्र चाहिए, है मैटर के अलावा कुछ नहीं होता ना, नहाने जाओगे तो आपको सब कुछ लगेगा, सब मैटर, परिक्रमा में जाओगे परिक्रमा करोगे, हैं परिक्रमा तो भक्ति योग्य हो गया अगर सही ढंग से करे, नहीं करे तो ये हो नहीं सकता, परिक्रमा भक्ति का अंदर में आ जाए, ज्ञान योग्य का अंदर में, अर्चन का अंदर में, फाइन। बाकी सारे चीज जो चीज़ है, बाकी सारे जितना भी योग करो सारे आपका मैटर इन्वॉल्वमेंट इज ए मस्ट, मेटेरियलमेंट रहेगा तो आपको इसमें क्या फायदा है, लेकिन ये फाइनली इन द फॉर्म ऑफ ज्ञान, क्योंकि सारे क्रियाक्रम ज्ञान का रूप में डिपॉजिट हो जाता है, ज्ञाने परिसमापत, गीता का आवर्तन करना मन से हृदय से, भागवत पाठ करना, किसी को कीर्तन करना, वो सारे फाइन है, यज्ञ है, बाहर का मैटर इन्वॉल्व नहीं लगेगा जो भी है। तो ये जो लौकिकी वैदिकी बापी या क्रिया क्रियते मुने हरिभक्ति सेवा अनुकूलैव सा कार्या भक्ति मिच्छता, कोई भी क्रियाकर्म करे गृहस्थ व्यक्ति हो कुछ भी हो, कैसे भक्ति का अनुकूल हो जाए ऐसा विचार बना के, क्योंकि लौकिकी वैदिकी कोई भी मुनि ऋषि बा साधु संत कुछ भी करे, लौकिकी वैदिकी सब हरि भक्ति का अनुकूल बना दे, अनुकूल बना के करे, प्रतिकूल बना के ना करे।
सारे प्रतिकूल चीज को अनुकूल बनाने का हिम्मत है परमहंस गुरु वैष्णव को, सारे प्रतिकूल विषय को अनुकूल बनाने का हिम्मत है परमहंस गुरु वैष्णव का अंदर में। जैसे हरिदास ठाकुर को डिस्टर्ब करने के लिए, पतन कराने के लिए लक्ष्य हीरा को भेज दिया रामचंद्र खान, हरिदास ठाकुर ने डिस्टर्बेंस नहीं फील की क्योंकि अंदर में कुछ नहीं है, उसको भी हरिदास ठाकुर अनुकूल रूप से ग्रहण किया। लक्ष्य हीरा कह रहे हैं कि आप जैसा नौजवान हो हैं, आपका साथ संग करने का इच्छा होता है, इच्छा होती है। हरिदास ठाकुर ने इशारा किया, हाँ ठीक 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 रह जाओ, कोई बात नहीं, नाम खत्म हो जाए, आपका एक ख्वाहिश आपका इच्छा पूर्ति करेंगे। तो ये बेश्वा जो है विचार बना रही है कि इसको पतन करा देंगे हम, संग करेंगे, और संग का सुपर फाइन मीनिंग हरिदास ठाकुर ने समझा, मैं अपना संगो इसको देकर इसको बचाऊं, इसको गिरा हुआ अवस्था से हम बचाएंगे, ये सोचा। तो दोनों का बाहरी विचार में संग बोल रहा है, लेकिन संगों का फर्क है। वैष्णव विजय हरिदास ठाकुर कह रहे हैं जरूर हम संगो देंगे तुमको, रुको, और ये सोच रहा है कि मेरे को घटिया संग देंगे। तो हरिदास ठाकुर सारे अनुकूल ग्रहण किया और लक्ष्य इधर सारे प्रतिकूल नेगेटिव ग्रहण किया, बाद में हरिदास ठाकुर सक्सेसफुल है, हरिदास ठाकुर उसको बचा दे। तो ये जो विषय है आपको ध्यान देना है, हर चीज को अनुकूल रूप से करना। कल इस विषय पर और चर्चा होने का इच्छा रखते हुए आज यहाँ समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी दूसरा कथा शुरू होने वाला है, क्षमा करें। तो भवद्विदा भगवतः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदाभृतः वाञ्छाकल्पतरुषः कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।